हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए वर्ड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है समटाइम्स। ठीक है, समटाइम्स। लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स, आप ये भी देखते होंगे कि समटाइम्स के अलावा इसी से बना हुआ एक वर्ड समटाइम भी दिखने को मिलता है। देख लीजिए, तो मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो समटाइम्स है, यह वाई ग्रामर एडवर्ब होता है और यह जो समटाइम होता है, यह वाई ग्रामर नाउन होता है। ठीक है, तो एडवर्ब के रूप में जब इसका अर्थ आएगा तो हो जाएगा कभी कभी, कभी कभी, ऑफन की तरह। और जब नाउन के रूप में आएगा तो हो जाएगा कुछ समय या काल, किसी समय की अवधि को बताने के लिए आता है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे राम समटाइम्स, फर्स्ट वाला एग्जांपल देख रहे हैं, राम समटाइम्स प्लेज क्रिकेट। राम कभी कभी क्रिकेट खेलता है। तो ये जो एडवर्ब का पोजीशन आप देख रहे हैं ना, ये एडवर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है और सब्जेक्ट के बाद। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो राम कभी कभी क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ध्यान दीजिएगा, ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता जिसको आप बोलते हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, मतलब टाइम को बता रहा है। प्रायः कभी कभी, तो ये कभी कभी खेलता है, मतलब रेयरली नहीं है, रेयरली बेयरली हार्डली का यूज़ हो जाता तो न के बराबर खेलता, लेकिन कभी कभी वह खेल लेता है। तो यहाँ पर समटाइम्स, हाँ ऐसे भी फ्रेंड्स आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे राम, ठीक है, समटाइम्स, तो राम आप आगे किए थे तो इसको हम आगे कर देते हैं, समटाइम्स राम प्लेज क्रिकेट। देख लीजिए, तो ये भी सेंटेंस सही है। अगर आपको कहीं समटाइम्स आगे मिल जाए तब भी सेंटेंस सही माना जाएगा, अगर कहीं बीच में आ जाए तब भी सेंटेंस सही माना जाएगा, क्योंकि एडवर्ब और प्रीपोजिशन जो होते हैं फ्रेंड्स, वह सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के बीच में और सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किए जाते हैं। उनका डिटेल में हम बताएंगे आपको। फिर इसके बाद आप समटाइम की बात करते हैं, तो समटाइम का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, ये फर्स्ट, ये सेकेंड आपका हो गया, जैसे राम स्टेज With me for some time, डेली भी लिख सकते हो। देखो, राम मेरे साथ कुछ समय के लिए ठहरता है या रुकता है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये जो फॉर है, फॉर का मतलब होता है के लिए, आप भी जानते हैं प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। अब के लिए के अर्थ में यूज हुआ है तो यह प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद आप जानते ही हैं, कोई प्रीपोजिशन होता है उसके बाद या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, समटाइम नाउन के रूप में, अगर आप करते हैं राम स्टेज विथ मी फॉर समटाइम्स, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको हमेशा प्रीपोजिशन के बाद जब भी यूज़ करना तो आप समटाइम का यूज़ करना, अगर फॉर आता है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप लिखेंगे जैसे राम प्लेज क्रिकेट फॉर समटाइम्स तो रॉन्ग हो जाएगा। यानी समटाइम्स को आपको हमेशा एडवर्ब के रूप में यूज़ करना है। एडवर्ब कहाँ कहाँ यूज होता है, सेंटेंस के शुरू में, देखिए जैसे यहाँ पर है, समटाइम्स राम प्लेज क्रिकेट, कभी कभी राम क्रिकेट खेलता है, राम कभी कभी क्रिकेट खेलता है। तो ये देखिए मॉडिफाई कर रही है, ये जो आगे यूज़ हुआ है, ध्यान दीजिएगा आगे जब एडवर्ब यूज़ होता है बहुत कम ही यूज़ होते हैं। जैसे कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं, जैसे कह लीजिए फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकीली, अनलकीली, ये सब पूरे सेंटेंस को डिनोट करते हैं। तो इसी प्रकार से समटाइम्स का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो आप एस के, खाली एस का अंतर है, देख लीजिए यहाँ पर एस लगा हुआ है, यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है। तो एस लगा हुआ हो तो आप एडवर्ब समझिएगा, एस न लगा हुआ हो तो नाउन समझिएगा, और यूज़ इसी प्रकार से होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। थैंक यू।